दोस्तों ये कहानी एक ऐसे जांबाज की है जिसकी फितरत में गद्दारी नहीं लिखी थी बल्कि देश के लिए जान की बाजी भी लगा गया था। जासूसी के खातिर दुश्मन देश में जाकर उन्हीं की आर्मी ज्वाइन करके मेजर रैंक तक पहुंच गया था। घर बार छोड़कर वह बहुत दूर चला गया था, एक ऐसी जगह जहां उसे कदम कदम पर खतरा था, मगर वह डगमगाया नहीं। उस जासूस को मजबूरन वहां मुस्लिम महिला से विवाह भी करना पड़ा था, मगर उसे भी उसने हंसकर कबूल कर लिया था। वतन के लिए मुस्लिम बनकर देश के लिए कुर्बान हो गया था। उनके बुजुर्ग माता पिता भी इस सदमे को सह नहीं पाए थे, उनकी याद में ही प्राण त्याग दिए थे, लेकिन हिंदुस्तान की एक गलती ने उसे कहां पहुंचा दिया था। जब वतन से वापस लेने की बारी आई तो हिंदुस्तान की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। शहादत के वक्त उसे अपने देश की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई थी। उन्होंने हजारों जुल्म सह लिए थे, मगर मरते दम तक अपने वतन से गद्दारी नहीं की थी। तो चलते हैं आज से 50-60 साल पहले, आखिर उस जमाने में क्या हुआ था। दोस्तों ये दौर था 1975 का। 65 और 71 की जंग में पाकिस्तान को बुरी तरह धूल चटाई थी। इससे बौखलाया पाकिस्तान चुप नहीं बैठा था, वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। जब ये बात भारतीय खुफिया एजेंसी रो को पता चली तो चारों तरफ खलबली मच गई थी। अब खुफिया एजेंसी को एक ऐसे जासूस की तलाश थी जो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान की करतूतों को बता सके। आखिर वह दिन भी आ गया था। एक दिन लखनऊ के थिएटर में एक नाटक चल रहा था और उसी हॉल में खुफिया एजेंसी रो का एक अधिकारी भी मौजूद था। नाटक में एक व्यक्ति भारतीय फौज का रोल निभा रहा था और जंग के दौरान चीनी सैनिकों के कब्जे में आ जाता है। चीनी फौज उस जवान से राज उगलवाने का प्रयास करती है, मगर उस जवान की होशियारी के आगे चीनी फौज भी दंग रह जाती है। खुफिया एजेंसी के उस अधिकारी को उस लड़के का यह किरदार एकदम सटीक लगा था। जब ये बात खुफिया एजेंसी के पास पहुंची तो पता चला कि यह लड़का राजस्थान के सीमावर्ती जिला श्री गंगानगर का रहने वाला है और इस लड़के का नाम है रविंद्र कौशिक। जब खुफिया एजेंसी के अधिकारियों का इस 23 साल के लड़के से सामना हुआ तो उनका एक ही सवाल था, तुम इस देश के लिए क्या कर सकते हो? रविंद्र कौशिक का एक ही जवाब था, मैं भारत माता के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बस यही तो सुनने को तरस रही थी खुफिया एजेंसी। उनके इस तरह के जोशीले अंदाज ने खुफिया एजेंसी के अधिकारियों को बड़ा प्रभावित किया था। रो एजेंट ने रविंद्र कौशिक के जज्बे को देखकर तुरंत ही नौकरी का ऑफर कर दिया था और उसे दिल्ली में मिलने के लिए भी बुला लिया था और तय समय में ही रविंद्र कौशिक दिल्ली पहुंच गए थे। फिर तय समय में ही मीटिंग हुई। एक तरफ 23 साल का नौजवान बेटा था तो दूसरी तरफ खुफिया एजेंसी के एजेंट। खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने देशभक्ति के ऐसे बहुत सारे उदाहरण बताए जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया था। रविंद्र कौशिक भी उन कहानियों से बड़े प्रभावित हुए थे। रविंद्र कौशिक को बताया गया कि जासूसी का काम बड़ा जोखिम भरा है, यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्यों को भी इसके बारे में बताया नहीं जाता है और कई बार तो दुश्मन देशों में जाकर भी इन्फॉर्मेशन जुटानी पड़ती है। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? मगर इस नौजवान के रग रग में हिंदुस्तानी खून दौड़ रहा था। अब तक तो यह थिएटर में ऐसे किरदार निभाता आ रहा था, मगर अब तो असली जिंदगी में ऐसा मौका मिल रहा था जिसे खोना उसकी फितरत में नहीं था। और फिर उसके बाद रविंद्र कौशिक ने अपने घर वालों को कहा कि उसे दुबई में काम मिल गया है, ऐसा कहकर दिल्ली की ओर निकल पड़ा था और जुड़ गया खुफिया एजेंसी से। 1975 से 1977 तक करीब 2 साल तक उसे कड़ी ट्रेनिंग दी गई और अब तो यह भी तय हो गया कि उसे पाकिस्तान में जाकर जासूसी करनी है। पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में पंजाबी बोली जाती है,
पंजाबी में तो रविंद्र कौशिक महारत हासिल थी। कुल मिलाकर उसे पूरी तरह मुस्लिम बनाकर पाकिस्तान भेजना था, इसलिए बकायदा उसका खतना भी किया गया। उर्दू की तालीम दी गई, नमाज का सही तरीका बताया गया, अरबी कुरान इत्यादि सब के बारे में उसे गहराई से ट्रेनिंग दी गई थी। और इस दौरान ट्रायल के लिए 5-6 मुस्लिम देशों में भी भेजा गया था। इस तरह रविंद्र कौशिक ने 2 साल में सारे मिशन क्लियर कर लिए थे। और फिर समय भी आ गया था 1977 का। अब उसे एक नई पहचान मिली थी, नबी अहमद शाकिर। अब पाकिस्तान में रविंद्र कौशिक इसी नाम से जाना जाएगा। और फिर अपनी खुद की पहचान हिंदुस्तान में ही दफन करके रविंद्र कौशिक पाकिस्तान चला गया था। खुफिया एजेंसी रो ने रविंद्र कौशिक को जितना परखा था, वह उनके नजरिए से भी तेज और होशियार निकला। पाकिस्तान में एंट्री करते ही कराची को अपना गढ़ बनाया और जाली दस्तावेज तैयार करके कराची के लॉ कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था। लॉ डिग्री पूरी हुई थी कि एक दिन उनकी नजर उर्दू के अखबार पर पड़ी। असल में उस अखबार में पाकिस्तान की आर्मी के लिए वैकेंसी का विज्ञापन था और बंदे ने आव देखा ने ताव जाकर सीधा फॉर्म लगा दिया था। उसके टैलेंट और मेहनत के आगे आखिरकार वह पाकिस्तान की आर्मी में अंतिम रूप से चयन भी हो गया था। अब पाकिस्तान आर्मी की जासूसी करना उसके लिए बेहद आसान हो गया था। रविंद्र कौशिक ने ऐसी ऐसी खबरें भारत तक पहुंचाई थी जिसकी वजह से हमारे हजारों सैनिकों को सीमा पर शहीद होने से बचा लिया था। और इस खबर के लिए बकायदा भारत सरकार ने उसे ब्लैक टाइगर की उपाधि भी दी थी। इस दौरान जब रविंद्र कौशिक ने खुफिया एजेंसी से विवाह की अनुमति मांगी तो फिर एजेंसी भी उसे मना नहीं कर पाई थी। जब रविंद्र कौशिक ने अपने आर्मी ऑफिसर की बेटी अमानत से निकाह कर लिया था, मगर अपने वतन की पहचान कभी उजागर नहीं की थी, अब उसके लिए वहां रहना आसान हो गया था। निकाह के बाद उसे एक अरीब नामक बेटा भी नसीब हुआ था। रविंद्र कौशिक पूरी तरह पाकिस्तान में घुल मिल गया था, मगर उसने कभी अपने वतन से कभी गद्दारी नहीं की थी। वह लगातार पाकिस्तान आर्मी की खबरें लीक करते रहे और भारत को इसका फायदा लंबे समय तक मिलता रहा। और अपनी मेहनत के बलबूते पर रविंद्र कौशिक अब आर्मी में मेजर रैंक तक पहुंच गए थे। ऐसा लगने लगा था कि बहुत जल्द पाकिस्तान आर्मी के चीफ भी बन जाएंगे। पाकिस्तान में काफी समय बिताया, मगर कभी भी किसी को उन पर शक नहीं हुआ था। मगर 1983 की एक घटना ने उन्हें पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। खुफिया एजेंसी ने इनायत मसीह नामक एक और एजेंट को पाकिस्तान भेजा था, जिसे रविंद्र कौशिक से मिलना था। मगर इनायत मसीह जैसे ही पाकिस्तान की सीमा में घुसे और वे पकड़े गए थे। और फिर पाकिस्तान की सरकार ने उसे इतना टॉर्चर किया कि उन्होंने रविंद्र कौशिक की भी हकीकत बयान कर दी थी। और इस तरह भारत का सच्चा जांबाज पाकिस्तान की गिरफ्त में आ जाता है, और वह भी भारत सरकार की गलती से। अब उनके लिए जुल्म और सितम का दौर था। रविंद्र कौशिक की बीवी भी जेल में एक बार ही अपने बेटे को लेकर आई थी, उसके बाद वह कभी मिलने भी नहीं आई थी। आखिर उसका भी परिवार था, उसे भी काफी तकलीफ झेलनी पड़ी थी। आर्मी कोर्ट में ही उनका मुकदमा चला और फिर अदालत ने ही उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। खत के जरिए रविंद्र कौशिक ने भारत सरकार से भी गुजारिश की थी, मगर अब भारत सरकार ने भी मुंह मोड़ लिया था। उधर एक एनजीओ की अपील पर उनकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया था। खत के जरिए उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने देश की ऐसी कोई खबर लीक नहीं की है जिससे मेरी देशभक्ति पर शक किया जाए। इस दौरान कई सरकारें आती रही, मगर किसी ने भी इस देशभक्त जासूस की किसी ने भी सुध नहीं ली थी। और उन्होंने अपने एक खत में ऐसा भी लिखा था कि मेरी देशभक्ति का सिला मुझे यह मिलेगा, ऐसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे का फोटो भी भारत भेजा था ताकि वे कभी भारत आए तो वे उन्हें पहचान पाए। पाकिस्तानी जेलों की हालत भी बेहद खराब थी, जिसकी वजह से
उन्हें कई प्रकार की बीमारियां भी हो गई थी, मगर उन्हें छुड़ाने की कोई पहल नहीं की गई थी। और इस तरह तड़पते तड़पते आखिरकार नवंबर 2001 में उनकी मौत हो जाती है और उसी गुमनामी में उसे वहीं दफन होना पड़ा था। आखिरी वक्त तक उन्हें अपने देश की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई थी। इस तरह भारत ने अपना सच्चा सिपाही खो दिया था, मगर मरते दम तक अपने वतन से गद्दारी नहीं की थी। भले ही देश भूल गया था, मगर उस जांबाज की देशभक्ति कभी भुलाई नहीं जा सकती। दोस्तों, ऐसे सच्चे सिपाही के बारे में कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय रविंद्र कौशिक जी।